जो है भैया माउंट निकाल दिया है, कैमरा अटैच था तो मैंने निकाल दिया क्योंकि अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर का खूबसूरत व्लॉग में आप सब लोगों का तेजी से स्वागत है दोस्तों। सो गाइस, जो भाई अपने लोकल के सब्सक्राइबर्स हैं तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के और खूबसूरत व्लॉग में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया था भाई, अब एपिसोड ही करना चाहूँगा क्योंकि आज मैं पिथौरागढ़ी आया हूँ, तो थोड़ा बहुत काम जो बचा था वो मैंने आज कर ही दिया है। तो एक काम करते हैं, कमेंट आ रहे थे कि यार थोड़ी पिथौरागढ़ी की मार्केट दिखाओ, तो कल जो मैंने दिखाई थी मार्केट वो तो एक हिस्सा था पिथौरागढ़ का, लेकिन आज मैं जो मार्केट दिखाऊँगा वो थोड़ा हम अंदर विजिट करेंगे, तो जितना हो सकता है मतलब क्योंकि टाइम कम है, शाम को जा रही है बारिश, तो अंदर ही अंदर घूमते हैं, थोड़ा मार्केट का लेते हैं जायका, उसके बाद मिलते हैं सीधे वड्डा। और एक खुशखबरी भी है गाइस, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि काफ़ी एक्साइट है यार और अच्छा भी लग रहा है। अरे बस बढ़िया भाई, व्लॉगिंग सही है। आज सो गाइस, एक पिथौरागढ़ का भाई अपना सब्सक्राइबर मिल जाता तो अच्छा लगता है यार जब ऐसे मिलते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा अंदर अंदर घूमते हैं आज मार्केट में, उसके बाद निकलते हैं। और खुशखबरी है गाइस कि तुम्हारे भाई का एक वीडियो वायरल हो चुका है, और बताऊंगा नहीं कौन सा वीडियो है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रखा है यार, मतलब लाखों में व्यूज़ आए उसमें, तो अच्छा लगता है। बाकी एक काम करते हैं, हम हेलमेट में लगाते हैं कैमरा और दिखाते हैं आपको पिथौरागढ़ का मार्केट अंदर ही अंदर। चलिए, थैंक यू थैंक यू। हाँ सो गाइस, भाई पूछ रहा है कि ब्लॉगिंग चल रही है, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल। तो अच्छा लगता है यार अपने सेटअप को कोई देखता है और तारीफ़ करता है, तो खुद को भी मतलब प्राउड फील होता है यार, कुछ हटके तो हो रहा है। बाकी गाइस ये रही वही मार्केट, तो यहाँ से जाते हैं कॉलेज, जो पिथौरागढ़ का कॉलेज है। तो एक तो रोड ये वाली है और एक रोड आती है ऊपर से, GIC रोड है वो, जहाँ पर बिरसिवा स्कूल पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी हम जा रहे हैं गुप्ता चौराहे वाले रास्ते से। सो गाइस, जो भाई अपने लोकल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो अपने होम टाउन के हैं, वड्डा के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, तो उनको तो भाई पता ही है ये गली है, मार्केट का नाम, इस रोड का नाम। बट अभी क्या है ना, जब से तुम्हारे भाई का वीडियो वायरल हो रखा है ना भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं उसमें, तो यहाँ से लेंगे हम ऊपर को सीधे। सो गाइज, मैं ये कह रहा था कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़े ना अपने, तो भैया वो ज़्यादातर बाहर के हैं, फिलियंस के हैं, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, MP के हैं, तो उनकी मांग ये रही कि आपका जो पिथौरागढ़ है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर आप मार्केट दिखाएं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पूरा पिथौरागढ़ अगर घूमना है तो उसके लिए तो कम से कम मेरे को 5 या 6 व्लॉग बनाने पड़ेंगे, लेकिन अभी जितना हो सकता है बार बार की, ये भी मतलब मैं बार बार की मार्केट घूमूंगा क्योंकि अंदर को तो अभी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है पिथौरागढ़ में, तो जितना बन पाता है उतना मैं भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि गाइस अभी है बरसात का टाइम और मैं बारिश में फंसना नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको अंदर ही अंदर दिखा रहा हूँ। कल जो मैंने दिखाया था वो मार्केट नहीं दिखाई थी, और कमेंट में ये आ रहा था कि भाई थोड़ी बहुत मार्केट भी दिखाएं आप। तो जो ये सीधी सी रोड गई है गाइस, ये गई डिग्री कॉलेज, तो डिग्री कॉलेज नीचे, और ये हम कटे सीधे GIC को, तो ये है GIC रोड।
पिथौरागढ़ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोड है भैया ये। तो और यहाँ पर है भैया बिरसिबा स्कूल, ये वाला रहा बिरसिबा स्कूल, देख सकते हैं आप। शायद छुट्टी हो रही है छोटे बच्चों की, बाकी भीड़ भाड़ इस रोड में हमेशा रहती है गाइस, क्योंकि भाई कॉलेज वाली रोड है तो भीड़ तो रहेगी रहेगी। हम भी जब कॉलेज पढ़ते थे भाई, बाइक तो थी नहीं उस समय, पैदल ही होता था अपना आना जाना। तो काफ़ी मज़े लिए हैं भैया हमने इस रोड के, और भेलपुरी भी खाई है, भेलपुरी यानी कि पानी पूरी। ठीक है यार, पुराने दिन याद आते हैं अपने को तो अच्छा लगता है। तो गाइस ये रही भैया पिथौरागढ़ की मार्केट। अभी अंदर तो मैं विज़िट नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि पैदल मैं अभी चलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई अभी बहुत ज़्यादा यार, पसीना आ रहा है हेलमेट के अंदर ही अंदर। तो ये अभी हम जिस रोड में चल रहे हैं ये है भैया GIC रोड, ठीक है। बाकी व्यू देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है पिथौरागढ़ का। यहाँ पर चल रही है भाई गन्ने की जूस की मशीन। तो पहले के टाइम में तो भाई प्लेन्स में ही अवेलेबल होता था गन्ने का जूस, बट अब पहाड़ों में भी इतनी गर्मी हो चुकी है दोस्तों की यहाँ भी अवेलेबल है, बट ठीक है यार उतना अच्छा तो नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने पिया था जितना अच्छा प्लेन्स में मिलता है, क्योंकि वहाँ एक तरीका होता है ना इसको बनाने का, मसाले भी कई प्रकार के होते हैं। बट अभी क्या है कि पहाड़ में मिल रहा है जूस, वही बड़ी बात है, उतना बेटर तो नहीं होता है बट थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है। एक आध बार भी आता मैंने गाइस यहाँ पर। सो अब हम आ गए हैं गाइस थाना कोतवाली वाली रोड में, ये रहा पिथौरागढ़ का थाना, और ये जो मार्केट है इसके आगे आता है भैया सिमलगेर मार्केट तो वो लोग तो हंस रहे होंगे यार जो अपने वड्डा बाजार के हैं पिथौरागढ़ के हैं, जो उनको ये लग रहा होगा यार ये कहाँ घुमा रहा है क्या बता रहा है। बट यार मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो आप भी देखते हैं मुझे, बट बाहर के भी देखते हैं, तो उनको भी यार पता चलना चाहिए कि विमलपाल का जो शहर है पिथौरागढ़ वो कितना खूबसूरत है। कमेंट करना मैं क्या सही कह रहा हूँ। और ये रहा नगर पालिका गाइस पिथौरागढ़ का, आप देख सकते हैं होटल हॉलीडे होम मेरे जस्ट आगे। और ये रही भैया सिमलगेर की मार्केट जहाँ है मैगना होटल। सो गाइस इतना प्यार है अपना पिथौरागढ़ बाकी अब हम निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट होते हुए, ठीक है, जो पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो वाली रोड में अब हम निकलने वाले हैं। पहले लेते हैं इससे पास, और ये रहा भैया पिथौरागढ़ का डाक खाना इधर मेरे हमारी लेफ्ट साइड। बाकी गाइस जो मेरा थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी आज फाइनल हो गया है, तो कल से अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई फ्री है। हालांकि ये काम बहुत ज़रूरी थे जो मैं करने आया था आज, अगर ये काम नहीं होते तो कल मुझे अगेन आना पड़ता। तो थैंक गॉड कि मैं आया और काम मेरे सक्सेस हो गए। तो ये रहा भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये देख सकते हैं गाइस आप इस साइड मेरे राइट हैंड साइड यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा है अस्पताल, और पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, बेस हाँ बेस ही कह सकते हैं वैसे यार, क्योंकि इकलौता अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा। तो अब हम पहुँचेंगे गाइस सिल्थाम चौराया, एक गन्ने की मशीन यहाँ भी लगी है भाई, इसका मतलब पहाड़ों में अब जो है कि गर्मी का असर दिख रहा है दोस्तों। और एक यहाँ भी, वाह यार एक यहाँ भी लगी है। तो देखा भाई पहाड़ों में भी अब जो है कि गर्मी की मार हो रही है यार, इतने जंगल जल रहे हैं यार पहाड़ों में, अब स्वच्छ हवा रही कहाँ गई, पता नहीं लोग पागल हो गए हैं, पता नहीं अपने जंगलों को ही जला रहे हैं, पता नहीं क्यों जला रहे हैं यार, तभी तो इतनी गर्मी है भाई।
सो गाइस अब हम सिल्ताम चौराहे में पहुँचेंगे, तो कमेंट ज़रूर करना यार, जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं अभी जो नए जुड़े हैं उनको मेरा पिथौरागढ़ शहर कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट तो ज़रूर करना भले आप कुछ करें ना करें, कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि अपनी मेहनत रंग लाई है। तो जो ये वाली रोड गई दोस्तों ये गई सीधे धारचूला जहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है अपनी, और ये कटे हम सीधे सिल्ताम चौराहे से वड्डा के लिए। तो ये वड्डा के लिए हम कट गए हैं गाइस अभी, अब कहीं पर रुकते हैं और आपसे बातें करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं वड्डा जाते हुए वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक यहाँ पर लगी है गन्ने की मशीन, एक यहाँ पर लगी है भाई मेरे देखते देखते कम से कम 6 या 7 मशीनें लगी हैं, एक यहाँ पर जूस सेंटर लगा है ये भी गन्ने का ही है, तो मतलब 8 या 9 मशीनें अभी पिथौरागढ़ में चल रही हैं गाइस, मतलब मज़ा आ गया है यार ज़बरदस्त। और ये रहा भाई वड्डा का नहीं पिथौरागढ़ का स्टेशन जहाँ पर वड्डा के लिए गाड़ी रुकती हैं, ये देख सकते हैं आप कमांडर यहाँ पर हैं, तो यहाँ से जाती हैं गाड़ियाँ वड्डा जहाँ मैं रहता हूँ भाई वहाँ। तो गाइस अभी मैं रुका हूँ फिलहाल यहाँ पर, बाइक पार्किंग मैंने कर दी, आप देख सकते हैं अच्छी लगी है बाइक। तो अभी क्या ना मैंने हेलमेट से जो है भैया माउंट निकाल दिया है, कैमरा अटैचना तो मैंने निकाल दिया क्योंकि अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि भाई काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैंने पिथौरागढ़ के अंदर अंदर की मार्केट आपको दिखा दी थी, बाकी कमेंट करना यार क्या कमी रह गई थी। ठीक है तो अब एक काम करते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ खुशखबरी क्या है। सो खुशखबरी गाइस ये है कि तुम्हारे भाई का एक वीडियो कम से कम 2 हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया था उसको, 2 हफ्ते पहले अपलोड किया था और उसके बाद वो हो गया वायरल और इतने ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया, रिस्पॉन्स इतना तगड़ा रहा गाइस मैं आपको क्या बताऊँ। तो भाई दिल तो जो है कि गार्डन गार्डन हो गया तुम्हारे भाई का, मतलब सब्सक्राइबर हो, वॉच टाइम हो, व्यू हो, धनाधन बढ़ रहे हैं और जो अपने दोस्तों लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। तो खुशखबरी यही थी, बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा वीडियो है, वो आपने मेरी वीडियो लिस्ट में जाना पड़ेगा तब आपको दिखेगा वो वीडियो। ठीक है तो बधाई देना यार आपके भाई को क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करता है। तो ठीक है फिर, इतनी खुशखबरी थी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।